युवक गुरुदेव आप सुहृदय प्रणाम प्रभु आयुष्मान भव पुत्र ये तुम्हारे दादा श्री अर्जुन हैं। हाँ गुप्त क्षेत्र में हम अल्प समय के लिए मिले थे प्रणाम दादाश्री विजयी भव पौत्र गुरुदेव मुझे युद्ध की सूचना मिली और मैं चला आया हाँ वत्स युद्ध की घोषणा हो चुकी है अब हमें अपने पक्ष की शक्ति का विस्तार करना होगा गुरुदेव अब आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है आपका शिष्य सिद्ध क्षेत्र से सिद्धियां प्राप्त करके लौटा है मैं अकेला ही समस्त कौरव सेना को समाप्त कर सकता हूँ गुरुदेव ये है मेरी साधना का प्रसाद जो मुझे देवी सिद्धम्बिका और भगवान शिव ने दिए हैं इन बाणों की विशेषता क्या है पुत्र पहला बाण जब चलेगा तो जिन लोगों के वध की मैं कामना करूंगा ये उन पर मृत्यु चिन्ह बना देगा पौत्र ये कुछ अतिशयोक्ति नहीं लगती नहीं दादाश्री जब ये दूसरा बाण चलेगा तो जिन जिन के शरीर पर मृत्यु चिन्ह का निशान है ये उनका वध कर देगा तुमने इन बाणों की कभी परीक्षा की है अब युद्ध होने ही वाला है परीक्षा भी हो जाएगी मान लो कि ये वृक्ष कुरुक्षेत्र है और इसके ये सारे पत्ते शत्रु सेना इन पर अपने बाणों का प्रयोग करके दिखाओ जो आ गया गुरुदेव वृक्ष के सारे पत्ते मेरे लक्ष्य पर हैं गुरुदेव पहले बाण ने अपना कार्य पूरा कर दिया पुत्र तुम्हें विश्वास है कि सारे पत्तों पर चिन्ह लग गए हैं हाँ गुरुदेव गुरुदेव अब मेरे दूसरे बाण को छोड़ने से जितने पत्तों पर चिन्ह हैं वो भूमि पर गिर जाएंगे और तीसरा बाण तो प्रलय के समान है यदि मैंने इसका प्रयोग किया तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा मैं इसका प्रयोग कभी नहीं करूंगा रुक जाओ पौत्र अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महायुद्ध में हम पांडव दुर्बल नहीं हो सकते दुर्बल तो अब कौरव लगते हैं ऐसा मत कहिए दादाश्री अन्यथा अनर्थ हो जाएगा क्या अनर्थ होगा पुत्र गुरुदेव मैंने देवी सिद्धम्बिका तथा भगवान शिव को वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर सिद्ध होगा मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा तो इसका अर्थ ये हुआ पौत्र कि बीच युद्ध में भी आप हमारे शत्रु का पक्ष ले सकते हो हाँ दादाश्री यदि युद्ध में कौरव पक्ष कमजोर सिद्ध हुआ तो देवी को दिए वचन के अनुसार मुझे उनकी ओर से ही युद्ध करना पड़ेगा चलो पौत्र विश्राम कर लो क्षमा करें गुरुदेव मैंने निर्णय लिया है कि युद्ध क्षेत्र से बाहर रहकर ही युद्ध देखूंगा चलो पार्थ
हे केशव, हे जनार्दन, इस युद्ध में तो हमारी विजय निश्चित है। निसंदेह, किंतु जो मैं अभी सुनकर आ रहा हूं उसका अर्थ यह है कि पहले हमें पराजय की सीमा तक पहुंचना होगा, और पराजय का अर्थ है पांडवों में से दो तीन की मृत्यु और पांडव सेना का विनाश। पराजय? मैं कुछ समझा नहीं केशव। पार्थ, यदि हम कौरव सेना का नाश कर दें और विजय की ओर चलें, तो बर्बरीक अपने दो ही बाणों से अपने विजय उल्लास को पराजय में बदल देगा। तो आप क्या करें? तुम ही बताओ मित्र, क्या सचमुच बर्बरी के बाण चमत्कारी होंगे? अवश्य मित्र, यदि वो बाण महादेव ने स्वयं बर्बरीक को दिए हैं तो निश्चित ही वो चमत्कारी होंगे। बर्बरीक को युद्ध से हटाना होगा, अन्यथा ये युद्ध की दिशा बदल देगा। ये धर्म युद्ध है, धर्म को बचाने हेतु अब यही एक विकल्प शेष है। सूर्योदय। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। प्रभु, आप शांत क्यों हैं? क्या चिंता है आपको? पुत्र, पुत्र कल से युद्ध शुरू हो जाएगा। देखें, निर्णय की सोर जाता है। मेरे होते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कौरवों के पक्ष में युद्ध जाता देखा तो मात्र दो क्षण में ही मैं सारे योद्धाओं को समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूं पुत्र, और यह भी जानता हूं कि तुम्हारी हम में अनन्य भक्ति है। किंतु किंतु क्या प्रभु? पुत्र, आज शुक्ल फाल्गुन द्वादशी है, आज की महिमा दुगनी हो जाती है। किंतु मुझे बताइए प्रभु, मैं आपके दिए हर आदेश का पालन करूंगा। वत्स सूर्योदय, युद्ध से पूर्व चंडी एक बलि चाहती है, और बलि उसी की चढ़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा। इसमें चिंता किस बात की है प्रभु? चिंता इस बात की है वत्स कि इस पृथ्वी पर तीन ही ऐसे वीर हैं जिनकी बलि स्वीकार होगी। मैं, तुम या अर्जुन। नारायण नारायण। केशव, बस इतनी सी बात है केशव, क्या यही आपकी चिंता है? तो हे जनार्दन, इस बलि के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं केशव, अपने आप को। तुम ये नहीं कर सकते पार्थ, यह धर्म युद्ध है। यदि एक भी पांडव कम हो जाएगा तो यह युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। बस एक ही मार्ग शेष है, मैं स्वयं ही अपना बलिदान दे देता हूं। वैसे भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली है मैंने, एक सारथी तो हूं तुम्हारा। नहीं केशव, नहीं। प्रभु, आप मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, सभी तरह से ज्येष्ठ हैं मेरे। ये अधिकार सिर्फ मेरा है, मेरा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु,
आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं अपने शीश की बलि देता हूँ। प्रभु, ये कार्य करने से मेरे वंश की कीर्ति बढ़ेगी। ये सौभाग्य मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा प्रभु। सोची मत प्रभु, उठाइए ये शस्त्र और मेरे शीश को धड़ से अलग करके चंडी माँ को बलि चढ़ाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो यह बलिदान नहीं होगा, हत्या होगी। जब मैं स्वेच्छा से यह शीश आपको सौंप रहा हूं तो यह हत्या नहीं कहलाएगी। धर्म यह कहता है वत्स कि बलिदानी स्वयं दान दे। यदि मैं ऐसा करता हूं तो वो हत्या ही कहलाएगी।